क्वेश्चन नंबर सेवन क्या बोल रहा है कि बैलेंस एज पर कैश बुक ओवरड्राफ्ट ऑन 31 दिसंबर 2016 28,000, ठीक है, कब बनाया जा रहा है, एज ऑन 31 दिसंबर 2018, ठीक है, कितना बैलेंस है 28,000, कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस या ओवरड्राफ्ट, बात बराबर है, आप भूल जाओ बैलेंस कहां दिया है, हम तो बैलेंस बाद में नोट करते हैं ना, हमें अपने तरीके से चलना है। सबसे पहला क्या है, चेक पेड इनटू बैंक बट नॉट येट कलेक्टेड अप टू 31 दिसंबर 2016, सोचो हमें अपने तरीके से ही चलना है, हमने चेक क्या किया होगा, चेक पेड इन टू बैंक का मतलब है चेक डिपॉजिट इन टू द बैंक, ठीक है, चेक हमने डिपॉजिट किया होंगे तो हमने क्या किया होगा, बढ़ाया होगा, लेकिन नॉट येट कलेक्टेड, ठीक है, तो अब क्या करना है, माइनस कर देते हैं, ठीक है, चलो माइनस करते हैं, एडिंग क्या रहेगी, चेक डिपॉजिटेड या चेक पेड, ठीक है, बट नॉट येट कलेक्टेड। हाँ, कोई होशियार बेटा इधर जो बात कर रहे हैं, कितना अमाउंट है, 2000, ठीक है, तो 2000 का हमें क्या करना है, माइनस कर लेना है। फिर इसके बाद क्या है, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट बाय द कस्टमर्स अप टू 31 दिसंबर 2016, वही सेम ट्रीटमेंट, चेक इशू किया होगा तो हमने क्या किया होगा, बोलो माइनस, लेकिन अभी तक कस्टमर उसे बैंक लेके नहीं पहुंचा, तो अब क्या करना चाहिए, हमको ऐड कर देना चाहिए, चलो ऐड कर लेते हैं, चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंट फॉर पेमेंट, कितना है बोलो अमाउंट, 2000, ओके 11,200। नेक्स्ट क्या है, थर्ड, बैंक चार्जेस, बैंक चार्ज, ठीक है, बैंक चार्ज लिखा है ओनली, वो बैंक चार्जेस चार्ज, ठीक है, अच्छा इससे पहले और भी है कुछ थर्ड वाला, नहीं यही है ना, बैंक चार्ज कितना, 100, बैंक ने बैंक चार्जेस चार्ज किए 100, ठीक है, तो बैंक ने क्या किया होगा, माइनस, तो हमको भी क्या करना चाहिए, माइनस, माइनस आइटम है, ठीक है, बैंक चार्जेस लिखना तुम, चार्जेस चार्ज बाय बैंक, कितना हो गया 100, माइनस आइटम है, माइनस साइड नोट कर दिया। इसके बाद क्या है, इंटरेस्ट चार्ज बाय द बैंक ऑन ओडी, डेफिनेटली इंटरेस्ट चार्ज होगा ओडी पर, तो बैंक ने क्या किया होगा, माइनस, तो हम भी माइनस कर देते हैं, ठीक है, सॉरी इंटरेस्ट चार्ज है ना, इंटरेस्ट ऑन ओडी, ठीक है, बाय बैंक या चार्ज बाय बैंक लिख लो, कितना 200। नेक्स्ट लास्ट क्या है, इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय द बैंक ऑन डिवेंचर्स नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक, डिवेंचर का मतलब जस्ट लाइक इन्वेस्टमेंट, शेयर डिवेंचर बॉन्ड, ठीक है, हमने शेयर डिवेंचर बॉन्ड खरीद के रखे होंगे, बैंक ने उस पर क्या किया, हमारे लिए, हमारे बिहाफ पे बैंक ने 500 रुपीज कलेक्ट किया है, इसका मतलब क्या हो गया, ठीक है, बैंक ने बढ़ाया हमको भी बढ़ा रहा है, ठीक है, इसको ऐड कर लेते हैं, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर कलेक्टेड बाय बैंक, कितना है 500 ना, इतना ही 500, और अब हमारे पास जो बैलेंस दिया था ओवरड्राफ्ट बैलेंस, उसको माइनस आइटम है, तो माइनस साइड लिख लेते हैं, कितना था 28,000, ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर उसको नोट कर लेते हैं आराम से, हमें उसे शुरुआत में इस क्यों नहीं लिखना है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हम खुद कंफ्यूज हों, कितना हो गया एक बार टोटल कर लो इस साइड का, 30,300, और इस साइड का टोटल कितना हो गया 11,700, ठीक है, तो बोलो बैलेंस कितना बचेगा, अगर यहाँ पे लिखना है बुक के अकॉर्डिंग तो यहाँ पे लिख दो 30,300 माइनस 11,700, तो कितना हो जाएगा 1918, पक्का गलत तो नहीं बोल रहा है, ठीक है 18,600, इसके आगे क्या लिखोगे आप, बैलेंस एज पर पासबुक, ठीक है, और ये कौन सा बैलेंस होगा, अगर वो क्रेडिट है नेगेटिव साइड ही तो ज्यादा है, तो हम भी इसको, हम हमारे यहाँ क्या बोलेंगे, देखो ये तो क्रेडिट है ना, तो बैंक के यहाँ पर क्या होगा डेबिट, क्योंकि हमारी लाइबिलिटी बैंक की क्या बन जाएगी, अब एसेट्स ना, ये बैंक का पैसा है, समझ में आ रहा है, और माइनस साइड ही है, अगर बाय डिफॉल्ट अगर ये वाला साइड एक्सेस हो जाता तो ये भी डेबिट क्रेडिट था और ये भी क्रेडिट हो जाता, ठीक है, लेकिन फिलहाल में आंसर आ गया, कोई प्रॉब्लम,
ठीक है, रूल नहीं बदलने हैं, चोर पुलिस का खेल खेलो पर आंसर लाते जाओ फटाफट, ठीक है, नोट कर लो। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।